पहले तो माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा देर से आ गया, मेरे पाँव में काफी दर्द है, एक छाला आ गया चलते चलते, तो काफी मेहनत लगी आप लोगों तक पहुंचने के लिए। मैं एक 25 सेकंड का वीडियो आज आपको, एक हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी का एक 25 सेकंड का वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ। इसमें प्रियंका गांधी असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से क्या बोल रही है, आप लोग सुनिए। भाजपा के साथ काम कर रहे, जहां जहां भाजपा को जरूरत है कि वो किसी को खड़ा कर दे, बाकी पार्टियों को पीछे रखने के लिए वो कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है तेलंगाना के चुनाव में, ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। ये वीडियो आज सुबह हमारी बड़ी बहन जब यहाँ पे लैंड हुए, जब का ये दिया हुआ वीडियो है, तो ये जो बदनामी लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ कि हमारा तेलंगाना में इनके साथ अलायंस है, ये बिल्कुल बेसलेस है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो सुनाने लगा है। हमारा किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है, हम बराबर लड़ रहे हैं। और आप कल एक महाराष्ट्र से नवनीत राणा, एक महाराष्ट्र की लीडर है, जो कल आई यहाँ पे एक भड़काऊ भाषण देने के लिए, जो चंद साल पहले एक 15 मिनट पुलिस को हटा लो अकबरुद्दीन अवैसी का एक बयान था, जिसको इन्होंने 15 सेकंड करके पोलराइज करने के लिए यहाँ पे आए। चंद दिन पहले अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी जो है सो महाराष्ट्र में जाके औरंगाबाद में पोलराइज करे, उसका जवाब देने उन्होंने यहाँ पे आए। उससे थोड़े दिन पहले अमित शाह आए, ऐसा है जो सारे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की जो लहर चल रही, उससे मोदी और असद अवैसी दोनों भोखला है। मैं तो बोलता जाके देखो, जो अमित शाह आए थे उसका खर्चा भी असदुद्दीन अवैसी दिए होंगे, नवनीत शर्मा का भी खर्चा उन्होंने दिए होंगे। बाहर के लोग आके बोल रहे 15 सेकेंड, ये कुछ भी नहीं है, फिर मुसलमानों के और हिंदू भाइयों के आंखों में धूल झोंकना है। इलेक्शन बड़ा सुकून से जा रहा था, बट ये हो गया था कि इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के बराबरी नहीं कर सक रहे थे, तो क्या करना, फौरन पोलराइज कर दो, हिंदू को मुसलमान से डराओ, मुसलमान को हिंदू से डराओ। शुरू हो गई गलती, और ही सियासत, कभी भी ये बात नहीं करना है। अरे नौजवान बच्चे बैठे हुए, नौकरी दिलाता हूं, ये नहीं बोलना है। अरे यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, मैं बताता हूं, 1985 से खाली हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, बीजेपी का नाम लेके इन्हों वहां से भड़काव बयान बीजेपी से कराते, इन्हों यहाँ पे भड़काव बयान कराते, सिर्फ दिमाग दीवाना बना के वोट ले रहे। तो इस बार मेरी गुजारिश है आप लोगों से, ये जो भड़काव बयानों के झांसे में बताओ, ये जंजीरों से बाहर निकलो, यहाँ पे ना किसी हिंदू मुसलमान मुसलमान भाई के साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, किसी हिंदू भाई के साथ कोई बुरा नहीं होने वाला है। आज हैदराबाद एक सेक्युलर शहर है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, जो आज यहाँ पे स्टेट में इख्तदार पे है। हमारे राहुल गांधी का एक मैसेज है कि राहुल गांधी का कहना है कि नफरत की दुकान को बंद करो और मोहब्बत की दुकान को खोलो। तो मेरे भाइयों, आप लोग 13 मई के दिन सोच समझ के, ये मजहब की गलती भी, बहुत सी सियासत से बाहर आइए, अपने आंख खोलिए, 13 मई के दिन कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जो आपके लिए डेवलपमेंट लेके आएगी, ये एक गंगा जमुना तहजीब रखने वाली पार्टी है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनके भड़काऊ भाषणों के झांसे में मत आइए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को इख्तदार में लेके आइए। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय सोनिया मा, जय प्रियंका गांधी, जय खड़गे जी, जय रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी।